नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं पार ब्रेकफास्ट। और लगातार कमजोरी के बाद आज के संकेत बेहद अहम है भारतीय बाजारों के लिए, और विदेशी बाजारों से जो ये संकेत मिल रहे हैं ये मिले जुले हैं। आज की ओपनिंग से पहले शुरुआत करते हैं सेंसेक्स निफ्टी से, देख लेते हैं क्या संकेत मिल रहे हैं। सेंसेक्स निफ्टी 14 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है 11,006 के लेवल्स पर, लेकिन ओवरऑल संकेत क्या है अमेरिका से, एशिया से, ये समझ लेते हैं। चलते हैं सीधे संदीप के पास। और संदीप, काफी अपडेट्स हैं इनफैक्ट आज तो इंटरनेशनल मार्केट से। फेड की 2 दिन की बैठक शुरू हो रही है, कच्चे तेल में उबाल जारी है, तो ओवरऑल क्या क्यूज है? देखिए संकेत ओवरऑल अगर आप देखें तो थोड़े से नेगेटिव ही नजर आ रहे हैं। एसएक्स निफ्टी को छोड़ दीजिए, बाकी सभी जगह से आपको नेगेटिव क्यूज ही नजर आएंगे। एशियन मार्केट जो खुले हैं, हांगकांग साउथ कोरिया बंद है, लेकिन जो बाकी मार्केट्स खुले हैं उनमें भी काफी फ्लैट या तो फिर मिला जुला कारोबार देखने को मिला है। चिंता का विषय है एक तो जैसे आपने कहा क्रूड, और दूसरा जो ट्रेड वॉर, कल से दोबारा चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर की चिंताएं हैं फिर से गहराने लगी हैं। कल 200 अरब का जो चीनी सामान है उसके ऊपर अमेरिका में 10% ड्यूटी जो टैरिफ है वो लागू हुए हैं, और इनफैक्ट इस हफ्ते दोनों देशों के बीच में बातचीत होने वाली थी ट्रेड वॉर को लेकर। चाइना ने अपने जो 2 प्रतिनिधि इस हफ्ते यूएस में जाने थे वो भेजने से इनकार कर दिया, तो उससे कहीं ना कहीं ट्रेड वॉर को लेकर जो चिंताएं हैं वो मार्केट में फिर से हावी होने लगी हैं। दूसरी ओर अमेरिका में स्पेशली दीपाली अगर आप देखें तो जो राजनीतिक अनिश्चितता है वो भी कहीं ना कहीं गहराने लगी। जो मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं उससे पहले जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं उनके इस्तीफे की खबरें काफी ज्यादा गर्म थी कल यूएस के मार्केट में, जिस वजह से ओवरऑल जो क्लोजिंग है मिली जुली हुई। लेकिन डाउ जोन्स देखिए एक समय करीब 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट भी दिखा रहा था, तो जो क्लोजिंग है वो 180 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ ही देखने को मिली है। तो इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं आज एशियन मार्केट्स में देखने को मिल रहा है, और कल यूरोपियन मार्केट्स में देखिए जो ट्रेड वॉर की चिंताएं गहराई हैं फिर से, उस वजह से 1% गिर के बंद हुए हैं। और इंडियन मार्केट्स और एशियन मार्केट की जहां तक बात है तो कच्चा तेल एक और फैक्टर है जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखेगा। नवंबर 2014 की ऊंचाई पर ब्रेंट क्रूड की कीमतें $81 के पार हैं, और ये दरअसल इसलिए हैं क्योंकि ओपेक और नॉन ओपेक देशों के बीच में जो बैठक हुई थी वीकेंड में उसमें उन्होंने तुरंत प्रभाव से कोई भी तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया है, तो इससे कहीं ना कहीं सप्लाई को लेकर जो चिंताएं हैं वो फिर से गहराने लगी हैं, जिस वजह से करीब करीब 4 साल की ऊंचाई पर ब्रेंट क्रूड की कीमतें हैं। आज जो फेड की बैठक शुरू होने वाली है ये अब अगला ट्रिगर है, माना ही जा रहा है कि शायद इस बार जो ब्याज दरें हैं यूएस में फिर से बढ़ती हुई दिख सकती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए कोई भी पॉजिटिव खबर किसी भी एंड से फिलहाल नहीं देखने को मिल रही, जिस वजह से आप देखिए जो कुल मिला के संकेत हैं ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव साइड पे देखने को मिल रहा है। शुक्रिया संदीप आपका ये अपडेट्स देने के लिए। तो एशियाई बाजारों की जो शुरुआत हुई है, जो भी बाजार खुले हैं वो थोड़ी सी धीमी है। कच्चा तेल जरूर चिंता बढ़ा सकता है क्योंकि $81 के ऊपर ही कर रहा है ट्रेड। अब देख लेते हैं कल जब मुनाफा वसूली थोड़ी हावी हो रही थी, बाजार में सेंटीमेंट कमजोर हो रहे थे, तब संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। कैश मार्केट में एफआईज की ओर से बिकवाली हुई है 524 करोड़ की, डीआईज ने खरीदारी की है 1528 करोड़ की, और एफएनओ में एफआईज ने 577 करोड़ की बिकवाली की है। अब इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े भी आपके सामने लाते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईज ने खरीदे हैं 522 करोड़ के, इंडेक्स ऑप्शंस खरीदे हैं 212 करोड़ का, स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली हुई 1310 करोड़ की। तो ओवरऑल लगभग 1800 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईज की ओर से कैश और फ्यूचर्स में स्टॉक्स में हुई है। तो ये थोड़ा सा आंकड़ा नेगेटिव है आज के लिए, लेकिन इन संकेतों के साथ आज शुरुआत कैसी होगी, रणनीति आपको क्या रखनी है, इस पर चर्चा करते हैं। और रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का जहां रोज हम बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। गुड मॉर्निंग अनिल जी, कैसे लग रहे हैं क्यूज, एफआईज, डीआईज, एशिया, अमेरिका, उन सबको देखते हुए? किसी के भी नहीं है, जाहिर सी बात है कि अमेरिका में थोड़ी कमजोरी हुई है आज, एशिया में हांगकांग क्योंकि बंद है जहां से हम ज्यादातर संकेत लेना पसंद करते हैं, देखते हैं किस तरह का रिएक्शन होता है। एफआईएस की तरफ से फिर से बिकवाली का आंकड़ा है एक दिन की खरीदारी के बाद, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस तो है नहीं, और जिन लेवल्स के आसपास क्लोजिंग हुई है वो बड़े इंटरेस्टिंग है। अगर रिकवर करना है तो बाजार को यहीं से करना है, और फिसलेंगे तो यहां से और फिसल सकते हैं। देखते हैं आज रुपया किस तरह से ओपनिंग देता है वो थोड़ा अहम होगा, क्योंकि कच्चा तेल तो थोड़ा अलार्मिंग लेवल पर अब 4 साल की ऊंचाइयों पर है, तो वैसे कोई संकेत ऐसा नहीं है कि जिससे आप ये सोचें कि बाजार को बढ़ना चाहिए। लेकिन हाँ, एक ही चीज है जो बाजार के फेवर में है और वो ये कि ओवरसोल्ड है मार्केट, पुट कॉल रेशियो घटकर 1.05 पर आ गया है, तो वो थोड़ा सा ओवरसोल्ड दिखा रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें तो 11,000 के आसपास जो आखिरी सपोर्ट है उसके बेहद करीब क्लोजिंग हुई, और वही सपोर्ट बैंक निफ्टी पर 25,000 के आसपास का है। तो आज के लिए जो दो निर्णायक लेवल है निफ्टी पर 11,000 का है और बैंक निफ्टी पर 25,000 का है। निफ्टी पर जो ट्रेडिंग रेंज नजर आती है वो 10,850 से लेकर 11,150 की आप मानकर कर सकते हैं, इस रेंज के बीच में शायद निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखे।
आज थोड़ा सा उतार चढ़ाव कम होना चाहिए, रेंज छोटी होनी चाहिए ऐसा लग रहा है। बैंक निफ्टी पर समझ नहीं आ रहा क्योंकि 25,000 होल्ड होना जरूरी है, अगर 25,000 के नीचे ही रहेगा बैंक निफ्टी तो नीचे की रिस्क काफी ज्यादा है। और बैंक निफ्टी में दिन के दौरान पहला संकेत मजबूती का तब दिखेगा जब 25,200 के पार निकलकर टिकने की कोशिश कर पाए। तो देखते हैं किस तरह की शुरुआत होती है रुपए की और उस समय एशिया किस तरह से कारोबार करता हुआ दिखता है। लेकिन ये बात सही है कि रिकवरी होगी भी तो ऊपरी स्तरों पर लोगों को खरीदने के बजाय निकलने में ज्यादा इंटरेस्ट है। आज के लिए सेक्टर्स और स्टॉक्स जो फोकस में होंगे, वैसे तो दो आईपीओ हैं, थोड़ा आईपीओ में रुझान है लोगों का, लेकिन अभी देखना होगा कि इस तरह के माहौल में उन आईपीओ में कितना रुझान बन पाता है। सेक्टर्स के लिए आज से कुछ कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, एक चीज साफ दिख रही है कि आईटी शेयर थोड़े मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन उनमें भी कल आखिरी आधे एक घंटे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी। तो मेरा ये मानना है कि अगर रिकवरी होगी तो रिकवरी एफएमसीजी और कंजम्पशन से जुड़े शेयरों से होगी, तो वहीं से खरीदारी आती हुई दिख सकती है। तो अगर खरीदना है तो वही सेफ है। शुक्रिया आपका ये रणनीति बताने के लिए। तो आईटी स्टॉक्स पर थोड़ी बहुत खरीदारी दिख सकती है और निफ्टी के लिए 11,000 एक अहम निर्णायक स्तर आज के लिए रहेगा और बैंक निफ्टी के लिए 25,000 का स्तर इम्पोर्टेंट होगा। और कच्चा तेल, एशिया की आगे की ट्रेंड कैसा रहता है, रुपए की शुरुआत कैसी होती है, ये कुछ अहम फैक्टर्स होंगे जो बाजार की ओपनिंग और आगे की डायरेक्शन तय कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक्स कौन से होंगे जो फोकस में हैं, उस पर बातचीत करते हैं और रुक करते हैं स्टॉक्स टू वॉच का। गुड मॉर्निंग पूजा, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपाली, शुरुआत प्राइमरी मार्केट से करते हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर, इस आईपीओ को काफी सुस्त रिस्पांस मिला कल, और कल हमने देखा पहला दिन था कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला, और आज इस आईपीओ का दूसरा दिन है, केवल 1% सब्सक्रिप्शन यहां पर देखने को मिला है। इसके अलावा आवास फाइनेंशियल का आईपीओ आज से खुलेगा, ये एक हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र की कंपनी है, इसका आईपीओ आज से खुलेगा 27 सितंबर तक, और इसका जो प्राइस बैंड है 818 से 821 रुपए तय किया गया है। इसके जरिए 1734 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की योजना है। तो इन दोनों आईपीओ पर नजर रहेगी। कुछ और खबरों पर नजर डालें तो आज बैंकिंग शेयर फोकस में रहेंगे। यस बैंक से शुरुआत कर लेते हैं। आज बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि आरबीआई के निर्णय के बाद अब आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, और इसके अलावा बैंक की तरफ से कुछ कॉमेंट्स भी आ रहे हैं कि उन्होंने एनपीए की स्थिति स्थिर है और वित्त वर्ष FY19 के क्रेडिट कॉस्ट की जो गाइडेंस दी थी वो भी बरकरार रखी है। तो इस तरह के कुछ कॉमेंट्स भी आ रहे हैं बोर्ड मीट के पहले बैंक की तरफ से, तो आज काफी अहम होगी और इस पर देखना होगा किस तरह का आउटकम निकल कर आता है। आज तमाम सरकारी बैंक भी फोकस में रहेंगे। तमाम सरकारी बैंकों के सीईओ के साथ आज वित्त मंत्री बैठक करेंगे जिसमें कि उनके आर्थिक हालात और एनपीए को लेकर चर्चा की जाएगी और कुछ फैसले निकल कर आ सकते हैं इस बैठक के जरिए। तो इन सब पर नजर रखिए। देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, कल देना बैंक की बोर्ड की बैठक हुई थी जिसमें कि विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय को मंजूरी दे दी गई है। कैनरा बैंक भी आज फोकस में रहेगा। जीटीएल इंफ्रा के इंसॉल्वेंसी के लिए अर्जी दे दी है कंपनी ने, और इसमें जीटीएल ग्रुप में कंपनियों में करीब 1,000 करोड़ का एक्सपोजर है इन तमाम कंपनियों में, तो कैनरा बैंक इसके चलते आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक एलआईसी के डील के साथ एक अपडेट आ रही है और दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि 11 अक्टूबर को इस डील पर सुनवाई होगी। और आखिर में बात करते हैं कजारिया सेरेमिक्स की, कुछ अपडेट यहां पर भी है। कजारिया फ्लोरा में हिस्सेदारी बढ़ा दी है, ये कंपनी की सब्सिडरी है जिसमें की हिस्सेदारी बढ़ा दी गई है और 3 करोड़ का निवेश करेगी। फिलहाल जो मौजूदा हिस्सेदारी है वो करीब 70% की है, और इसके अलावा यूएस में भी एक सब्सिडरी शुरू करने वाली है जिसमें कि 10 लाख डॉलर का निवेश करने की योजना है कंपनी की। तो कजारिया सेरेमिक्स पे भी इस खबर के चलते नजर रखिए। आप देख रहे हैं पार ब्रेकफास्ट, एक बार फिर से देख लेते हैं एसजेक्स निफ्टी को, उसके बाद आज के ट्रेड को समझेंगे। हमारे साथ आनंद राठी सिक्योरिटीज के नीलेश जैन मौजूद हैं। एसजेक्स निफ्टी अब 11,000 के नीचे कर रहा है ट्रेड सिर्फ 7 अंकों की बढ़त के साथ। नीलेश गुड मॉर्निंग, पहले तो निफ्टी पर ही बताइए आज के लिए ट्रेडिंग व्यू क्या है। हाय गुड मॉर्निंग दीपाली जी, सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का स्ट्रक्चर तो काफी खराब हो चुका है, पिछले 5 दिनों से हमने गिरावट देखी मार्केट में। और फ्राइडे का अगर सेशन देखें तो वहाँ पे निफ्टी ने लो बनाया था 10,867 का, तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न शैटर्ड हो चुके हैं। 11,000 का जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल है सही निफ्टी ने एक स्पॉट में देखे उसके नीचे क्लोजिंग दी है। तो मॉर्निंग का ऑलमोस्ट 1 आवर का सेशन हम कह सकते हैं बहुत ही क्रूशियल होगा। 11,000 का काफी डिसाइसिव लेवल है जिसके अंदर कल हमको पुट में से अनवाइंडिंग देखने मिली है, बट स्टिल वहां पर मैक्सिमम ओआई बेस है,
तो 11,000 अगर मॉर्निंग में सस्टेन नहीं कर पाता है तो नीचे की साइड में 10,900 का पहला लेवल होगा और दूसरा लेवल होगा 10,800। तो ओवरऑल मार्केट में सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए। जब तक निफ्टी 11,200 के ऊपर डिसाइडिवली ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक ओवरऑल मार्केट में सेंटिमेंट वीक बने रहेंगे। और कॉल राइजिंग भी हमको देखने मिली थी 11,000 स्ट्राइक में, तो ऑप्शन डेटा भी नेगेटिव है और चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी नेगेटिव है। तो निफ्टी में सेल करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस होगा छोटा सा 11,060 का और टारगेट्स होंगे 10,900 और 10,800। ठीक है, स्टॉक्स कौन से रेकमेंड करेंगे आज के लिए? मेरा पहला इसका होगा सेल में टाइटन में, जिसके अंदर हमको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट टेक डाउन देखने को मिला था, तो इसके अंदर भी सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 805 का और टारगेट होंगे 770 एंड 755 के। मेरा दूसरा स्टॉक होगा, कल आईटी में हमको काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था, लार्ज कैप आईटी स्पेसिफिकली टीसीएस सेगमेंट एंड इंफोसिस जैसे स्टॉक में। तो इंफोसिस में एक 6 दिनों की गिरावट के बाद रिवर्सल देखने को मिला है, जिसके अंदर बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस होगा 709 का और टारगेट होंगे 735 के। एक और स्टॉक में ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे इन जिंक, इसके अंदर कल काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था, इसके अंदर बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस होगा 293 का और टारगेट होंगे 303। ठीक है, शुक्रिया निवेश आपका रणनीति बताने के लिए। हिंदुस्तान जिंक में खरीदारी का व्यू है 303 के टारगेट के लिए, 293 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। और साथ ही टाइटन यहां पर बिकवाली का ट्रेड आज के सेशन में आप इनिशिएट कर सकते हैं, 770 के लक्ष्य के लिए बेचने की सलाह है आज के लिए टाइटन। तो ये कॉल है नीलेश की ओर से और 805 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। अलग अलग ब्रोकर हाउसेस की ओर से कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स आई हैं, वो भी आप नोट कर लीजिए। उज्जीवन फाइनेंस बिकवाली की राह है एक्सिस सिक्योरिटीज के, 6% लुढ़का ये स्टॉक, 268 का आज के लिए लक्ष्य है, 280 का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। साथ ही बिकवाली का व्यू है इंडसइंड बैंक में, 1660 का लक्ष्य है, 1695 का स्टॉप लॉस, यहां पर बेचने की सलाह रही है एक्सिस सिक्योरिटीज की ओर से। आरडीबी कैपिटल भी मानता है हिंदुस्तान जिंक आप खरीद सकते हैं, 304 के लक्ष्य के लिए 293.70 रुपए का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। तो खरीदारी की कॉल हिंदुस्तान जिंक पर, अभी नीलेश भी दारी का व्यू दे रहे थे। मुथूट फाइनेंस यहां भी आईडीबी कैपिटल मानता है, बेचकर चलिए, 415 का टारगेट रखिए, 440 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो ये कुछ ट्रेडिंग पिक्स हैं। अब कमोडिटी बाजार के रुख करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय बहेटी मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं जो कि एनालिस्ट है मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के। अजय गुड मॉर्निंग, पहले तो कच्चे तेल पर ही अपनी राय दीजिए, उबाल लगातार जारी है अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, अब तो ये $82 के नजदीक पहुंच चुका है, आज M6 पर कैसे ट्रेड ले? देखिए बिल्कुल तेजी अभी भी बरकरार है, अभी भी कोई रिवर्सल साइन नहीं है। मुझे लगता है डिप पर बाय कर काम करना बेहतर रहेगा। जहां तक M6 के लेवल की बात है, 5,250 से अच्छा सपोर्ट है जहां पर खरीदारी कर काम करें। अपसाइड में लक्ष्य रहेगा 5,330 का। ओके ठीक है, तो खरीदारी का ये व्यू है, 5,330 का लक्ष्य रहेगा कच्चे तेल में। गोल्ड पर क्या व्यू है? गोल्ड में भी ब्रॉडर आउटलुक अभी भी तेजी का है, मार्केट में डिप पर बाय कर काम करें। 30,800 का इमीडिएट सपोर्ट है M6 गोल्ड का, 30,800 पर बाय करें। अपसाइड में लक्ष्य रहेगा 31,050 का। ठीक है, और रुपए पर आउटलुक? रुपया ब्रॉडली तो स्टेबल है, बट आई थिंक द ट्रेंड वाइज अगेन डिप बाइंग का ही व्यू रहेगा। अगर स्पॉट के लेवल्स की बात करें तो 73.20, 73.10 अच्छा सपोर्ट है इंट्राडे में, जहां पर खरीदारी कर ही काम करें। अपसाइड में 73.40, 75 तक का मूव हम देख पाएंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका ये रणनीति बताने के लिए। कच्चे तेल और सोने में खरीदारी का व्यू है, रुपया और कमजोर हो सकता है, 73.50 तक स्लिप हो सकता है, ये राय है मोतीलाल ओसवाल की ओर से। लेकिन अब बात करेंगे ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स की, और संदीप हमारे साथ मौजूद हैं रिपोर्ट्स के साथ, जहां पर ब्रोकर हाउसेस की कवरेज शुरू हुई है या फिर उन्होंने टारगेट्स में कुछ बदलाव किए हैं। बताइए संदीप, कौन से स्टॉक्स हैं? शुक्रिया दीपाली, पहले आप कमेंस इंडिया पे नजर रखिए, दो ब्रोकर्स की रिपोर्ट है और दोनों तेजी की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। नोमुरा ने खरीदारी की राय दी है, 890 का टारगेट है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिलिंस की रिपोर्ट भी आई, वो भी मानते हैं कि 864 रुपए तक के जो लक्ष्य हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। एक तो डिमांड रिकवरी और दूसरा खर्चों में जो कमी हो रही है उससे इनके जो मार्जिन हैं उसमें एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, और एक्सपोर्ट्स में भी जो गिरावट का दौर शायद खत्म हो चुका है, ऐसा बैंक ऑफ अमेरिका मेरिलिंस की रिपोर्ट बता रही है। तो कमिंस इंडिया पे आप नजर रखिए। ITC अगला स्टॉक है, यहाँ पे CLSA ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, 390 रुपए का टारगेट वो दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 28 सितंबर को जो GST काउंसिल की बैठक हो रही है उसमें हो सकता है एक डिजास्टर सेस लगाने की बातचीत या तो फिर जो प्रस्ताव
प्रस्ताव है वो जीएसटी काउंसिल के सामने आ सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी आईटीसी अब भी खरीदारी की लिस्ट में शामिल है सीएलएसए की। आइशर मोटर्स, यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, 37,358 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, अच्छा खासा अपसाइड है यहाँ पे। और एक मेन ट्रिगर है, घरेलू और विदेशी दोनों मार्केट्स में दो नए मोटरसाइकिल इस कंपनी के लॉन्च करने की योजना है और ये स्टॉक के लिए एक अहम ट्रिगर है, ऐसा गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट बता रही है। अच्छा खासा करीब 50% के आसपास का अपसाइड इस स्टॉक में गोल्डमैन सैक्स को नजर आता है। बैंक्स और एनबीएफसी, काफी पिटाई हुई है बीते दो दिनों में, एक एमके की रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने 4-5 स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर यहाँ पे खरीदारी की राय दी है। एक तो आईसीआईसीआई बैंक जहाँ पे 404 रुपए का लक्ष्य है, एचडीएफसी बैंक दूसरा स्टॉक है, इनफैक्ट दोनों निजी बैंक ही हैं, एचडीएफसी बैंक का जो लक्ष्य है वो 2500 रुपए दिया गया है, और एनबीएफसी में एचडीएफसी लिमिटेड, एमएनएम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस, ये तीन स्टॉक्स हैं जिसमें उन्होंने खरीदारी की राय दी है। एचडीएफसी लिमिटेड का टारगेट है 2264 का, एमएनएम फाइनेंस में 542 रुपए और बजाज फाइनेंस यहाँ पे 2785 रुपए का टारगेट प्राइस दिया गया है। आखिर में रिलायंस इंडस्ट्रीज पे भी नजर रखिए, यहाँ पे सिटी की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखी है, यानी कि वो मानते हैं कि खरीदारी के मौके हैं जो गिरावट हुई है और जो लक्ष्य है एक साल के वो 1300 रुपए के बताए गए हैं। शुक्रिया आपका संदीप ये रिपोर्ट्स बताने के लिए। तो इन स्टॉक्स में रहेगा एक्शन इन रिपोर्ट्स के बेसिस पर, लेकिन जाते जाते जो एक अहम बैठक है आज उसके बारे में आपको बता देते हैं। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ एक समीक्षा बैठक करेंगे। दरअसल जो एनुअल परफॉर्मेंस बैंकों की होती है उसकी रिव्यू मीटिंग हर साल होती है और उसी के मद्देनजर ये बैठक हो रही है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा इस बैठक में हो सकती है। बैड लोन्स को लेकर यानी एनपीए की स्थिति को लेकर चर्चा होगी, साथ ही बातचीत ये हो सकती है कि बैंक्स जो है वो क्या स्टेप्स ले रहे हैं, क्या लेजिस्लेटिव स्टेप्स ले रहे हैं रिकवरी के लिए। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो इस बैठक में जिन पर डिस्कशन होगा और इसी वजह से सरकारी बैंक आज फोकस में रहेंगे। हालांकि लगातार यहां भी मुनावत सूरी हावी हुई है और कल के सत्र में भी ज्यादातर सरकारी बैंक 2-5% की कमजोरी के साथ हुए हैं बंद, तो इन स्टॉक्स पर भी आज आपको फोकस करना होगा।